सबको जे यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ल्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन, एक गवाही का जीवन, एक उदाहरण का जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल के 29वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु का वचन हम सबों को प्रभु यीशु के जीवनी पर और प्रभु के शिष्यों के जीवनी पर मनन चिंतन करते हुए जो उचित है, जो अच्छा है, जो नेक है, उसको अपनाते हुए प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है, प्रभु का वचन हमें बुलावा देता है। हर इतवार के भांति प्रभु के वचन को हम लोग सात अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। तो सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए यीशु का जीवन सेवा करने का जीवन, यीशु का जीवन सेवा करने का जीवन। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने वचनों के द्वारा कहा है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। जब प्रभु यीशु का ये मकसद था, उद्देश्य था कि सेवा करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह सेवक बन के आए। प्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, सारे वैभव सारे अधिकार त्यागते हुए दास बन के, सेवक बन के प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और हम सभी लोग प्रभु का अनुसरण करने वालों को जरूरत है, आवश्यक है कि हम सेवक बन के आए हुए प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए स्वयं हम सभी लोगों को विनम्र और विनीत बनाकर सेवा के भाव से आगे बढ़ने की, प्रभु का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि मैं प्रभु का अनुसरण करूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, क्या हासिल होगा, इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से हमें प्रभु के साथ नहीं जोड़ेंगी, क्योंकि प्रभु सेवा करने के लिए आए थे। अगर हम सेवा कराने के उद्देश्य जाएंगे, निश्चित रूप से प्रभु की अनुसरण हम लोग भलीभांति नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, प्रभु के शिष्य सेवा कराना चाहते हैं, प्रभु के शिष्य सेवा कराना चाहते हैं, प्रभु का अनुसरण करते हुए सेवक बन के आए हुए प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए प्रभु के शिष्य सेवा कराना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें अधिकार मिले, उन्हें दाएं बाएं बैठने का विशेष सुविधा मिले, सौभाग्य मिले, जिससे कि उस पद पर रहते हुए वो सेवा करा सके। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच लेके प्रभु के शिष्य प्रभु से विनती करते हैं। और इस प्रकार की सोच किसी के मन में आ सकती है, इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है कि इस प्रकार की सोच प्रभु का अनुसरण करने वालों के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारी सोच यही हो जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आए, वही सेवा भाव का सोच विचार और समर्पण हम सबों के अंदर हो, तभी हम प्रभु का योग्य रीति से अनुसरण कर पाएंगे। तीसरा बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु का जीवन सब कुछ त्याग कर अपने आप को समर्पित करने का जीवन। प्रभु यीशु मसीह जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 में, वह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने स्वर्गीय वैभव त्याग दिया, स्वर्गीय सिंहासन त्याग दिया, वो मनुष्य बने, मनुष्य का रूप धारण किया और भी छोटा हो गए, यानी कि दास का रूप उन्होंने धारण किया। इसलिए प्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, सारे वैभव सारे अधिकार सब कुछ प्रभु ने त्याग दिया। चौथा बिंदु हम देखते हैं प्रभु के शिष्य सब कुछ
हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, दाएं बाएं बैठने का अधिकार के साथ साथ प्रभु के अन्य 10 शिष्य भी इसी बात से इन दो लोगों से नाराज हो रहे थे कि हमें क्या मिलेगा। उनके मन में भी शायद यही बात थी कि हमें क्या पद मिलेगा, क्या अधिकार मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगी, क्या सौभाग्य मिलेगा। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की सोच विचार उनके मन में भी संभवतः थी। यानी कि कुल मिला के सबके सब क्या करते हैं, सब कुछ हासिल करने के उद्देश्य से। आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु को इसलिए चाहते हैं, यानी कि प्रभु का जीवन इसलिए चाहते हैं, इसलिए क्रिश्चियन जीवन अपनाते हैं ताकि वहां पर कोई सुविधा मिलेगी, कोई फायदा मिलेगा, कोई नौकरी मिलेगी, कोई और कुछ अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इन बातों को लेकर, इस सोच को लेकर लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं। इसलिए ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से हम प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, यीशु सारे अधिकार त्याग कर आए थे। यीशु ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी अपने हाथ में नहीं रखा, क्योंकि सेवक के हाथ में कुछ नहीं रहता। सेवक के हाथ में केवल सेवा करने का सेवा भाव ही रहता है। इसलिए प्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, कोई अधिकार नहीं। मनुष्यों की, लोगों की सेवा करने के लिए प्रभु आए थे, इसलिए सेवा भाव से प्रभु के साथ जो जुड़ेगा वही प्रभु की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए प्रभु की महिमा करेगा, परमेश्वर की महिमा होकर पाएगा। छठा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के शिष्य सारे अधिकार अपनाना चाहते हैं। प्रभु के शिष्य हर प्रकार के अधिकार अपनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम दाएं बाएं बैठने का सुविधा प्राप्त करें और इस प्रकार से सत्ता संभालें, अधिकार जताएं, अधिकार संभालें। इस प्रकार की बात उनके मन में थी। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु बताता है ऐसी भावना हम सबों के अंदर ना हो, बल्कि सेवा भाव ही हम सबों को प्रभु के नजदीक ले जाएगा, प्रभु के अनुसरण करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। अन्यथा अगर इस प्रकार की बातें रहेंगी अधिकार प्राप्त करने की या बड़ा पद हासिल करने की, निश्चित रूप से वो प्रभु का जीवन नहीं है। तो सातवां बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, जरूरत क्या है, आखिर में जरूरत क्या है। यीशु का जीवन जानना, यीशु का जीवन समझना और यीशु का जीवन जीना, यह है जरूरत। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता, प्रभु का जीवन क्या है, इस बात को जानना, समझना और इसको जीना बहुत ही जरूरी है, यह है जरूरत। यीशु का जीवन जानने के लिए हमें यीशु के व्यक्तित्व पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु के वचनों के सहारे, प्रार्थना के सहारे मनन चिंतन करने की जरूरत है और उस वक्त निश्चित रूप से हमें ये समझ में आएगा यीशु का जीवन त्याग तपस्या का जीवन, यीशु का जीवन क्रूस का जीवन, यीशु का जीवन बलिदान का जीवन, यीशु का जीवन पिता की इच्छा खोजते उसको पूरा करने का जीवन, यीशु का जीवन लोगों की सेवा में अपने आप को निछावर करने का, समर्पित करने का जीवन, यीशु का जीवन संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने का जीवन, यीशु का जीवन विनम्रता का जीवन, सरलता का जीवन, न्याय प्रेम शांति का जीवन, सत्य का जीवन और प्रार्थना का जीवन। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, इस बात को हमें अपनाने की जरूरत है और यीशु के इस जीवन को जीने की जरूरत है, तभी हम प्रभु के अनुयायी होंगे, प्रभु के शिष्य होंगे और इस प्रकार के समर्पण के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे। किसी प्रकार की बड़ी सोच लेके, बड़े पद की कामना करते हुए, अधिकार लेने के एक उम्मीद के साथ, या फिर मुझे दाएं बाएं बैठने का एक सुविधा मिलेगी, इन सभी बातों के साथ हम प्रभु की ना ही सेवा कर पाएंगे, ना ही अनुसरण कर पाएंगे, ना प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर पाएंगे। प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है वो सेवक बने, विनम्रता
और विनीत भाव से प्रभु का अनुसरण करें, तब जाके प्रभु से हम सीख पाएंगे। जब तक विनम्रता विनीत भावना नहीं होगी हम प्रभु से सीख नहीं पाएंगे। प्रभु से सीखने के लिए विनम्रता का भाव बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार से जो छोटा बनता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो छोटा बनता है वही बड़ा बनाया जाएगा। अगर बड़ी बातों को लेकर प्रभु का अनुसरण करेंगे हम कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हम छोटा बनने के उद्देश्य से विनम्रता के साथ प्रभु के पास जाएं, वो प्रभु हम सबों का निरंतर ऊपर उठाएगा और अपनी अपनी महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल करेगा। इसलिए हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे हमारे व्यक्तित्व, हमारा जीव, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार हो और पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित होकर अगर हम जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे, प्रभु की सेवा कर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बरकत प्रदान करें और प्रभु की आशीष हम सबों पर बने रहे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।